कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कल से पाकिस्तान ने फिर से बॉम्बारिंग शुरू कर दी है जम्मू कश्मीर में? देखिए, जिस तरह से हमारे बहादुर पायलट्स ने पाकिस्तान के अंदर जाके जो ट्रेनिंग कैंप्स थे, टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स थे, उनको तबाह किया, बर्बाद किया और सकुशल वापस आ गए, उसका पाकिस्तान में पार्लियामेंट में सरकार के खिलाफ शेम शेम के नारे लगे, तो बौखलाहट है। और उसी बौखलाहट का नतीजा है कि वह बॉर्डर पर शेलिंग कर रहे हैं। और ये भी कुछ पता लगा है कि बॉर्डर पर ही उनके कुछ फाइटर जेट्स आए और फेंक के चले गए, बमबारी करके चले गए। तो ये कायराना उनकी हरकत है और ये डरपोक आदमी सैन्य के लोग ऐसा कर सकते हैं जैसे कि उन्होंने करके भागे हैं। और अब पूरी तरह से स्पष्ट है कि पाकिस्तान का हिंदुस्तान की फ़ौज, हिंदुस्तान की एयरफोर्स, नेवी से कोई मुकाबला नहीं है दूर दूर तक। और समय है इसके जवाब में वो टेररिस्ट कैंप को ख़त्म करें, टेररिस्ट को बंद करें, जो इनके टेररिस्ट जो वांटेड हैं हिंदुस्तान में उनको सरेंडर करें, और तभी मैं समझता हूँ कि सामान्य स्थिति हो सकती है। कल सुषमा स्वराज ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, आज पार्लियामेंट में अपोजिशन ने कई पार्टियां जो उसमें शामिल हो रही मीटिंग बुलाई है, सर क्या लगता है, क्या कुछ इस पर भी चर्चा होगी? देखिए, देश हित में, राष्ट्र हित में पूरे सभी राजनीतिक दल, सभी एक एक हिंदुस्तान का नागरिक एक साथ है, एक आवाज़ में सेना का समर्थन, वायुसेना का समर्थन वो कर रहा है और इस ज़बरदस्त हौसले के साथ में पाकिस्तान को शिकस्त देंगे अच्छी तरह से जब भी जरूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पीएल पुनिया साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस मुद्दे पर, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही है उस पर देश एकजुट है और सभी पार्टियां एक साथ हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिल्ली से हृदय यादव।